हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑन साइकोलॉजी। मैं हूँ शार्दुल। कई बार दोस्तों हमारे मन में ये ख्याल आता है कि काश हमें कोई जादू आता होता जिससे हम ये जान सके कि सामने वाले इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा है, वो हमें अच्छा मानता है कि बुरा समझता है, उस पर हम विश्वास करें कि नहीं करें। इन सब बातों को यूं ही समझ पाना दिमाग पे जोर डालने जैसा है, लेकिन फिर भी इससे कुछ हासिल नहीं होता। ऐसे में हम अपेक्षा करते हैं कि काश हमें कोई जादू टोना, टोटका या फिर लोगों को हिप्नोटाइज करने की कला आती हो जिससे हम उनके दिल और दिमाग में चल रही बातों को पढ़ सकें। ऐसे में ना ही हमें कोई धोखा दे पाएगा और ना ही कभी देने की कोशिश भी करेगा। लेकिन इसके लिए जादू ही क्यों? एक ऐसी तकनीक है जिसे आप जादू का नाम तो दे सकते हैं, लेकिन ये असल में कोई जादू नहीं है। यदि आप इसे सीख जाएं, तो पलक झपकते ही सामने बैठे इंसान की मनोदशा को जान सकते हैं। ये कला है दूसरों के दिमाग को पढ़ने की। अब दिमाग के सामने कोई एक्सरे मशीन या फिर स्कैनर तो लगा नहीं होता, वो दिमाग की तरंगों का अनुवाद करके आपको अंदर की बात समझा सके। लेकिन कुछ आसान तरीके अपनाकर आप किसी के दिमाग को पढ़ सकते हैं। जी हाँ, किसी के भी दिमाग को। तो सोच क्या रहे हो? आगे की बात को ध्यान से सुनिएगा जिससे अपने दुश्मनों को आप चकित कर सकें। तो कैसे पढ़ें सामने वाले के दिमाग की शैतानियों को? इस ट्रिक को समझने से पहले आपके अंदर एक खूबी होना बहुत जरूरी है, और वो है एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन पावर। आप चीजों को कितनी सहनशीलता से लेते हैं, उस पर कितना ध्यान देते हैं, और किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु से आपका ध्यान हटा पाना कितना आसान है, इन सभी सवालों के जवाब आपके पास होने बेहद जरूरी हैं। यदि आप इस टेस्ट में फेल हो तो आप कभी भी किसी के दिमाग को पढ़ने की कला को नहीं सीख पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी आंखों के साथ साथ आपके कान और दिमाग को भी खुला रखना है, और साथ ही ये बेहद समझदारी से काम लेना है, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। तो इस ट्रिक को सीखने के लिए सबसे पहले तो किसी को अपनी ओर आकर्षित करना सीखें। यहाँ आकर्षण का मतलब वही नहीं जो आप समझ रहे हैं, बल्कि सही आकर्षण वो है जो किसी की ओर हमारे मन और दिमाग को ले जाता है। यदि आप अपने सामने बैठे इंसान को केवल अपनी बातों में लाना सीख लें, तो आप आगे उसके दिमाग को पढ़ने का रास्ता शुरू कर सकते हैं। अब केवल अपनी ओर आकर्षित करने के बाद जरा उसे कंफर्टेबल फील कराएं, यानी आपके साथ होते हुए या आपसे बात करते हुए वो हिचकिचाए नहीं, क्योंकि उसकी हिचकिचाहट उसे कुछ और सोचने पे मजबूर कर देगी, जिससे वो सच बातें नहीं बता पाएगा और झूठी बातें बनाने में उसका ध्यान लगा रहेगा। किसी ने सही कहा है कि एक भाषा सारे काम बना देती है। आप अपने तरीके से किसी से बात करेंगे तो शायद ये सामने वाले इंसान के दिमाग में भी उतर भी जाए, लेकिन उसकी समझ की भाषा में अगर बात करेंगे तो उसके दिल में वो बात उतर जाएगी और वो आप पे विश्वास करने लगेगा। उससे वैसी ही बात करें जैसा कि वो पसंद करता है, लेकिन ध्यान रहे कि उसे इसके पीछे कोई स्वार्थ नजर नहीं आना चाहिए। अब जब वह पूरी तरह से आपको समझने लगा है, तो वह काम शुरू कीजिए जो आप जानना चाहते हैं। सीधे कोई सवाल करने से हमेशा बचें, लेकिन उसे विश्वास दिलाते हुए बात को घुमाते हुए पूछा गया सवाल एक सही जवाब तक पहुंचा सकता है। अब उस सवाल का जवाब देते हुए उसके लफ्जों के साथ उसकी शारीरिक आकृति क्या बयां करती है ये जरूर देखें। क्या वह बात करते समय आपसे आंखें मिला रहा है या नहीं मिला रहा? क्या वह बिल्कुल भी हिचकिचा रहा है या नहीं हिचकिचा रहा? साथ ही पूरे आत्मविश्वास से बात कर रहा है तो वह वाकई आपसे कुछ छिपा नहीं रहा और सारी बातें सही बता रहा है। लेकिन इसके विपरीत अगर वह हिचकिचा रहा है तो उसकी हिचकिचाहट उसके झूठ से पर्दाफाश कर सकती है। हो सकता है कि सच को बयां करते समय भी वह हिचकिचा रहा हो। ऐसा उन लोगों के साथ होता है जिनमें सच कहने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन फिर भी वो किसी तरह हिम्मत जुटा रहे होते हैं। ऐसे लोग धीरे धीरे कपकपाती हुई आवाज से नॉर्मल आवाज में आते हैं, लेकिन तब तक आपको संयम रखना होगा। ये देखते रहना होगा कि वह सच में शर्म की वजह से आंखें झुकाकर बात कर रहा है या फिर सच में पकड़े जाने के भय से वह आंखें मिलाने से डर रहा है। सच और झूठ बोलते समय
ना केवल एक इंसान की आवाज बल्कि उसके शारीरिक अंग भी कई तरह के लक्षण बयां करते हैं। सच बोलने वाला इंसान किसी की भी आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत रखता है, उसे आंखें चुटाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन झूठ बोलने वाला इंसान आंखों में देखने की बजाय इधर उधर देखता है। सच बोलते समय हाथ या पांव कभी कांपते नहीं है। हो सकता है कि शुरू में ये कोई बड़ा सच बोलने की हिचकिचाहट को दर्शाते हो, लेकिन धीरे धीरे सच स्वयं ही उन्हें हिम्मत देने लगता है। लेकिन झूठ बोलने वाले या कुछ छिपाने वाले लोग अक्सर अपने शारीरिक अंगों पर नियंत्रण खो देते हैं। आपको इसका ध्यान रखना है। उन्हें पता भी नहीं लगता है कि कब उनके हाथ कांपने लगे, पांव बिना किसी वजह हिलने लगे और नर्वस होते हुए वे कभी कभी हाथों को खुजाने भी लग जाते हैं। लेकिन जब कॉन्फिडेंस पूरा हो तो लोग कभी भी ऐसा नहीं करते। लेकिन कुछ लोग इस मामले में भी काफ़ी तेज होते हैं। वे झूठ को भी सच बनाना जानते हैं। उनकी आंखें या शारीरिक अंग उनके झूठ को कभी नहीं दर्शाते। इसके पीछे उनमें झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस होता है। ऐसे में शायद आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन ये आपकी आपकी नज़रों में धूल झोंक जाएंगे और आपकी नज़रों से बचकर निकल जाएंगे। इसलिए दोस्तों, बहुत छोटी छोटी बातों पे आपका नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। हालांकि किसी का दिमाग पढ़ लेना इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए पहले आपको खुद का दिमाग पढ़ना आना चाहिए, और खुद का दिमाग पढ़ने के लिए आपको दिमाग की शांति की ज़रूरत है, जो कि मेडिटेशन से आती है। जब आप मेडिटेट करते हैं, अपने दिमाग को खाली करते हैं, जब आपके दिमाग में कुछ नहीं रहेगा तभी तो आप दूसरों के दिमाग में झांक पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने ऊपर काम करें। बाकी कोई छोटी छोटी मैंने और भी कई वीडियोस डाली है साइकोलॉजिकल साइंस की, जिसको आप देखकर समझ सकते हो कि सामने वाला इंसान किस तरीके से क्या सोच रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि बिहेवियर भी बहुत सी चीज़ें दर्शा देते हैं। लड़कियाँ किस तरीके से बिहेव करती हैं किस कंडीशन में, लड़के किस तरीके से बिहेव करते हैं किस कंडीशन में। अगर आप जनरल साइंस से पता लगाना चाहते हैं तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। बाकी सबसे पहले आप अपने ऊपर काम करें, और उसके बाद धीरे 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 दूसरों की बातें जानने के लिए कई तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें। जैसा कि आप बता ही चुके हैं, तो आपसे मुलाकात होती रहेगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और इसी तरह हमसे जुड़े रहिए। गुड बाय।